हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज फिर से हम लोग किसी न किसी टॉपिक पे बात करेंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि मैं कुछ ऐसा न्यूज़ मैं जब स्टडी करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, या फिर आईओएस से कोई इस तरह का मैगजीन कुछ न्यूज़ रिसीव करते हैं, तो उसी तरीके से मैं एक पढ़ रहा था कि कितना ज़्यादा ये जो इनहेलेशन डिसऑर्डर से और अस्थमा से और रेस्पिरेटरी डिजीज से लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, स्पेशली those people who are the involved in the chemical and hazardous substance, the care handling, है ना, हम जो लोग उसमें involved हैं, and here is not talking about the one specific industries, construction, where even, कहीं भी, तो ज़्यादा expose होते हैं लोग, तो इसमें क्या, किस तरह से how we can be prevent, किस तरह से prevent किया जा सकता है, what is the duties of the employer, तो इसके लिए हम लोग basic के सबसे पहले हम लोग लीगल बैकग्राउंड पे हम लोग जाते हैं, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो मैं इस पे सबसे पहले जानते हैं कि लीगल जो रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप अपने इंडस्ट्रियल सेफ्टी प्रोफेशनल हैं, सेफ्टी ऑफिसर हैं, आप साइट पे काम कर रहे हैं, कोई भी आप रिकमेंडेशन जब देते हैं या फिर कोई भी इस तरह का प्रोसीजर जो डेवलप होता है, आप कहीं भी आप जा रहे हैं, कहीं किसी भी इंडस्ट्रीज में, तो वहां का एक प्रोसीजर होता है, एक मैनुअल होता है, लॉस प्रिवेंशन प्लान होता है, तो आप जब उसको देखते हैं तो वहाँ जो केमिकल सेफ्टी से, तो वो किसी न किसी बेस पे या नेशनल या इंटरनेशनल किसी भी रेगुलेशन पे या एक्ट के बेस पे ही वो डेवलप किया जाता है। तो कोई भी इंडस्ट्रीज जब तक के वो अच्छी इंडस्ट्रीज नहीं कहलाती है कि वो सर्टिफाइड नहीं है, वो किसको फॉलो करती है, तो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट को जरूरी है समझना यहाँ पे। जिस तरह जैसे कि 19 वर्कप्लेस एक्ट 1974 है, उसी तरीके से जितने भी वर्कप्लेस हैं वो सारा कवर करता है द हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क एक्ट 1974। इस एक्ट में ये बताया जाता है कि एम्प्लॉयर की ड्यूटीज क्या होती है, रिस्पेक्टिव केमिकल्स हैंडलिंग स्टोरेज एंड प्रिवेंशन प्रोटेक्शन कंट्रोलिंग मेजर्स, एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती है, मैनेजमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क रेगुलेशंस 1999, ये भी जो जो रेगुलेशन है, जो मैनेजमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क रेगुलेशन 99, ये भी कवर करता है, ये भी अंडर 1974 द वर्क प्लेस एक्ट पे आता है। तो ये टोटल डिफाइन करता है कि व्हाट इज द बेसिक द ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर, हाउ दे कैन प्रोटेक्ट देयर एम्प्लॉयज, देयर इज अ टिपिकल द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर द ओवरऑल, बट हेयर द पार्टिकुलर स्पेशली यहाँ पे जो ड्यूटी डिफाइन किया गया है इस रेगुलेशन में, से किस तरह से बचाया जाए एम्प्लॉय को, उसके बारे में। इन द केस अगर नहीं दे कैन नॉट the manage and they cannot protect completely, अगर नहीं कर सकते हैं तो they should take the another actions and another controlling measures and to minimize and reduce the exposure limit। उनको वहाँ पे जो hazardous substance से related आपको पता ही होगा, जो हम पहले कोर्स के बारे में भी हमने वीडियो बनाया है, आप उसको भी देखें, ठीक है, controlling of the substance hazardous to health regulations, ये एक्चुअली 2002 है, ये अभी अमेंडमेंट 2004 में भी है, उसमें भी ये टोटल डिफाइन किया गया है जितना भी ड्यूटीज़ है, और ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव जो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको फॉलो करती है, या वो आप सऊदी अरबिया में हो या इंडिया में हो, तो कोर्स जो है, अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी है तो कोर्स के बारे में आपको कहीं आपको इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस रेगुलेशन में भी आपको ये डिफाइन किया गया है क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी एम्प्लॉयर की। तो यहाँ पे जो टिपिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे किया गया है कंट्रोलिंग के लिए एक्सपोजर, हाउ टू द प्रिवेंट द एक्सपोजर टू हजार्डियस टू हेल्थ, हजार्डियस सब्सटेंस किस तरह से प्रिवेंट किया जाए, उसमें से रिस्क असेसमेंट है, उसके बाद मेक श्योर करना है एक्सपोजर टू सब्सटेंस हजार्डियस टू हेल्थ एंड एप्रोप्रिएटली कंट्रोल किया गया है कि नहीं, मेक श्योर करना है, मॉनिटरिंग करना है, किस तरह से मॉनिटरिंग या मेजरिंग करना है कि वर्क प्लेस पे कि जो हम इस तरह का जो इनहेलेशन डिसऑर्डर है या जो रिस्पिरेटरी या अस्थमा है उसको मेजरिंग मॉनिटरिंग करना है, कोई भी डिवाइस से किसी से भी आप एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको मॉनिटर करें।
उसी तरह से साइट पे आप सर्विलांस भी कर सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली आप सर्विलांस करें। तो हेल्थ सर्विलांस जिसमें मॉनिटर होगा, चेकअप होगा, आई मेक श्योर क्या है कि जितने भी ऑल आवर एम्प्लॉय आर द फ्री फ्रॉम द सच टाइप ऑफ द डिजीज एंड दे आर हेल्दी। क्लाइंट्स क्या करना चाहिए, द प्लेस द फूड द एप्रोप्रिएट कंट्रोलिंग मेजर एंड दस नॉट द कंट्रोलिंग मेजर डिजीज आर द कंट्रोलिंग मेजर दिस दैट कंट्रोलिंग मेजर शुड बी मेंटेन या नॉट। कौन मॉनिटर करेगा, एम्प्लॉयर भी उस तरह का जिसके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, जिसको असाइन किया जाएगा उसका काम है कि उसको मॉनिटर भी करे और प्रॉपर कंट्रोलिंग, हाउ टू द कंट्रोलिंग, जिस तरह से इंस्ट्रक्शन देना, जैसे ये जनरल है, इंस्ट्रक्शन है, इंफॉर्मेशन है, ट्रेनिंग है, द एम्प्लॉयर बताते हैं कि किस तरह से इसको अचीव किया जाए। कंट्रोलिंग मेजर है, प्रिवेंटिव मेजर है, प्रोसीजर है, किस तरह से अचीव किया जाए। तो कुछ कोड ऑफ प्रैक्टिस भी होता है, जो भी आप रेगुलेशन फॉलो करें उसका कोड ऑफ प्रैक्टिस होगा, आप कोड ऑफ प्रैक्टिस गो थ्रू हो लें तो उससे भी आपको जानकारी मिल जाएगी कौन कौन कोड है, किसके हिसाब से हम इसको किस तरह से करें। इन द केस अगर नहीं हो पाता है तो जाहिर सी, जैसा हमने पहले बताया कि आपको रिड्यूस करना है, बिकॉज ऑफ दिस इज द मेन काउज ऑफ द अस्थमा, अगर रिड्यूस करने की बात आएगी तो उसमें क्या होगा कि एम्प्लॉयर को ये चीज देखना चाहिए, वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट है, परमिसेबल लिमिट है, द एज पर द जो रेगुलेशन है, जो स्टैंडर्ड जो डिफाइन किया है, कितना ppm, कितना ज़्यादा वर्क प्लेस पे काम, 15 मिनट्स, 8 आवर, क्या क्या एक्सपोजर लिमिट है, उसको भी देखना होगा रिड्यूस करना। ये वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट जब तक एक्सीड नहीं होनी चाहिए, जो एक लिमिट है उससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए, तभी जाके बाद ही आप जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं। और भी जैसे कि तभी हो सकता है जब आपका प्रॉपर डिज़ाइन हो, वर्क जो प्रॉपर प्लान हो, प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड किया हो, प्रॉपर सिस्टम प्रोवाइड किया होगा, प्रॉपर मेंटेन किया जा रहा होगा, और जितना भी रूट है, जस्ट ये नहीं कि इनहेलेशन है। अगर हम रिड्यूस करने की बात करेंगे तो हम लोग क्या देखना होगा, वी हैव टू सी द ऑल अराउंड, है ना, वी हैव टू सी एंड कंसिडर ऑन द ईच पॉइंट व्हाट इज द रूट, नॉट द ओनली इनहेलेशन। आपको जैसे पता है कि एक्सपोजर जो केमिकल्स का होता है, इनहेलेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, इंजेक्शन भी होता है स्किन के थ्रू, तो ये चीज़ को भी हर तरह से मतलब कंट्रोल करना, हर तरह से प्रिवेंट करना है। इसके बाद वो देखना है कंट्रोलिंग मेजर्स मिनिमाइज करने की जहाँ बात आएगी तो लास्ट में आपको PPEs भी आएगा, वी हैव टू द सी, वी हैव टू कंसिडर, हम लोग को देखना होगा कंट्रोलिंग मेजर क्या कम्बिनेशन है उस जो सब्सटेंस जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो पीपल्स यूज़ कर रहे हैं, और जो लोग जिस सब्सटेंस से एक्सपोज हो रहे हैं उसके लिए एप्रोप्रिएट PPE क्या है, तो वो भी एक मिनिमाइज करने का एक लास्ट ऑप्शन है। तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसको कि भाई आप ये प्रॉपर PPE, अप्रोप्रिएट PPE है ये, इस एक डिफरेंट टाइप का PPEs, RPE, जैसे हमने पहले बताया आपको, पहले भी एक वीडियो हमने बनाया था, तो उस तरह का वहाँ पे हम रिड्यूस करने की बात आएगी तो हम रिड्यूस करने के लिए हम लोग ट्रेनिंग देंगे, इंस्ट्रक्शन जैसा हमने बात किया, और ऑन रेगुलर बेसिस पे देंगे, ऑन डेली बेसिस पे देंगे, हम टाइम टू टाइम देंगे, है ना, अवेयरनेस डेवलप करेंगे, तो ये भी एक वे हो सकता है रिड्यूस कर। इन सब कंट्रोलिंग मेजर हम लोग मतलब रिड्यूस करने के लिए इन सब मेजर को हम अप्लाई करेंगे तो कुछ और दूसरा मेजर भी हमको अप्लाई करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि एक वेंटिलेशन की बात करें, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन भी होनी चाहिए, मैकेनिकल वेंटिलेशन होनी चाहिए, ये डिफरेंट टाइप का मतलब वेंटिल में इंजनिंग कंट्रोल जो हम लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन लगाते हैं, ग्लोब टाइप का भी होता है, फ्लेक्सिबल कैप्चर हुड्स हुड टाइप का भी होता है ना, फिर आप देखते हो लैंप टाइप का लगा हुआ है, जहाँ पे इसे वेल्डिंग वेल्डिंग कर रहे हैं लैंप इस तरह से लगा हुआ है, तो उस तरह का भी वेंटिलेशन, डिफरेंट टाइप का वेंटिलेशन होता है, तो वो टोटल को हम बोल सकते हैं कि लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन, और ये जनरली कंसिस्ट होता है जैसे डक्ट आप देखते हैं जो एयर को सक्शन कर लेता है, सक्कर के बाहर कर देता है, वो मैकेनिकल वेंटिलेशन का ही पार्ट है, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन का ही पार्ट है। इस तरह का पोर्टेबल हम लोग यूज़ करते हैं, एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन वो भी है। तो द बेसिक जो इसका पर्पस होता है कि जो भी कंटामिनेंट एयर में उसको क्या करेगा, एग्जॉस्ट करके एयर के थ्रू उसको आउट कर देगा। तो जो एक्सपोजर जो एक्सपोज होने वाला है, जो कंटामिनेंट है, वो क्या है, वो कम हो जाएगा। दोज पीपल हु आर देयर दे कैन नॉट बी एक्सपोज फ्रॉम द हजार्डियस सब्सटेंस, वो नहीं होंगे। एंड इफ इन द केस अगर होंगे भी तो क्या होगा कि वो बहुत ही माइनर होगा,
बहुत ही कम होगा। अब ये लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन की जो हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम लास्ट फेज को बात कर रहे हैं क्योंकि अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं, वन टाइम बना देते हैं, मगर क्या है कि वो कभी मेंटेन ही नहीं हुआ, कब प्रॉपरली उसका चेक ही नहीं हुआ है, कोई चेकलिस्ट नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, तो दैट इज द नॉट इफेक्टिव ऑन द वर्क प्लेस। अस्थमा या जो भी रिस्पायरेटरी ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिजीज है, आप ऑनलाइन भी उसको आप देखें, डिफरेंट टाइप का रिस्पायरेटरी डिजीज है, अस्थमा है ना, उसका कई मतलब फैक्टर्स भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो लोग, दोज पीपल मतलब जस्ट इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्री, दे आर द ऑल टाइम इन्वॉल्व इन द पेंट एंड सॉल्वेंट एंड हजारडियस सब्सटेंस, तो ओनली दोज आर द ऑन एट रिस्क, हम नहीं कह सकते हैं। कुछ ऐसा भी होता है, बहुत सा और भी रीज़न होता है। तो हम प्रिवेंटिव एक्शन की बात करें तो इसमें कुछ जो इम्प्लाई होते हैं, जैसे कि जो कारपेंटर होते हैं या जो एनिमल फार्म में काम करते हैं, ठीक है, या जो स्प्रे पेंट करते हैं, तो ये कुछ मतलब टिपिकल जो जॉब होता है उसमें ज़्यादा मतलब चांसेस होता है, ज़्यादा रिस्क होता है एक्सपोज होने। इफ हम बात करने जा रहे हैं अगर प्रिवेंटिव एक्शन, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कि जो आपका आइडेंटिफाई कर द काउज ऑफ द प्रॉब्लम, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि जो भी आपका इम्प्लाई आपके वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, कुछ इम्प्लाई जो बाहर से न्यू इम्प्लाई आए, ऑलरेडी उनको अस्थमा है, कोई रिस्पायरेटरी, तो आने से पहले उनका चेकअप होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर उनका मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए, क्योंकि जब वो आएंगे तो वो क्या है कि वो स्प्रेड हो सकता है। तो पहले आइडेंटिफाई करें कि व्हाट इज़ द बेसिक रूट ऑफ बेसिक काउज ऑफ दिस अस्थमा क्या है, कहाँ कैसे कौन सा एक्टिविटी चल रहा है, क्या कौन सा कंट्रोलिंग मेजर नहीं है, तो आइडेंटिफाई करें मेन काउज क्यों हो रहा है ये, ठीक है। अब उसी तरह सेकेंड अगर हम बात करेंगे, रिस्पायरेटरी जो प्रोटेक्शन मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जैसा हमने बात किया कि एज पर द रेगुलेशन वर्क प्लेस एक्ट के बारे में, 1974 के बारे में बात किया, 99 के बारे में बात किया, तो ये जो जैकोस के बारे में 2002 एंड 2004 के बारे में बात किया, तो उसके बेस पे भी आप देखेंगे जो मैनेजमेंट का, जैसे कि रिस्क असेसमेंट, कंट्रोलिंग मेजर होना चाहिए, सर्विलेंस होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। कंट्रोलिंग मैनेजर की जब बात करेंगे तो वही आएगा जो एलिमिनेट कीजिए सब्स्टिट्यूशन, जैसे हमने पहले बात किया कि अगर कोई भी इस तरह का जो टॉक्सिक्स केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन अगर हम एलिमिनेट करना इसे बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, अगर हम रिड्यूस करते हैं तो रिड्यूस करना भी बहुत डिफ़िकल्ट। लोग बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर लीजिए, कोई कोरोसिव यूज़ कर लीजिए और कोई भी इस तरह केमिकल्स है, मगर प्रैक्टिकली वे में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो टॉक्सिक से ज़्यादा मतलब लो रिस्क है ना, बहुत ही कम एक्सपोज होएगा। तो इस तरह से जो सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, प्रैक्टिकली में एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले डिज़ाइन हम चेंज करें, इंजीनियरिंग सिस्टम चेंज करें, है ना, तो हम उन वर्क प्लेस को हम मतलब उस तरह से प्लानिंग करें, हम वर्क को प्लान करें अच्छे तरीके से, हम मेथड चेंज करें, ठीक है, मेथड ही चेंज कर देंगे। जैसे सपोज डैट अगर मेथड की बात करें तो अगर मैनुअल हैंडलिंग करते ऑटोमेटिक हैंडलिंग करने लगेंगे, तो जब मेथड चेंज करेंगे तो एक्सपोजर लिमिट ऑटोमेटिकली इट विल बी द रिड्यूस हो जाएगा। तो हम ये कंट्रोलिंग मेजर में हम बात कर सकते हैं, ये नहीं कि बस जो कंट्रोलिंग हायरार्की ऑफ कंट्रोल है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकली में सम टाइम एक्सपोजिंग बात करें कि भाई किस तरह से मॉनिटर करें कि एक्सपोजर हो रहा है कि नहीं, तो इसके लिए मॉनिटर करने के लिए बहुत सा ऐसा टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट है, हम उसको आप वर्क प्लेस वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन जिस तरह हमने बात किया वो आप प्रोवाइड कराएं, इंजन सिस्टम प्रोवाइड कराएं, है ना, ओपन एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर काम या स्प्रे का काम होता है स्पेशली उस तरह का काम, या कोई इस तरह का ग्राइंडिंग वेल्डिंग वेल्डिंग इस तरह का काम होता है, जिससे कि एक्सपोज होता है फ्यूम्स, वो भी हार्मफुल है, वो भी डेट इज द पार्ट ऑफ द केमिकल हम कह सकते हैं, मिक्स केमिकल है, वो भी हमारे लिए हार्म्स है, तो उससे भी अस्थमा होता है, उससे भी आपको जो इनहेलेशन डिसऑर्डर होता है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होता है, वेल्डिंग से भी उसके भी, या वेल्डिंग का भी बहुत सा पेंट होता है उस पर वो बर्न होता है, तो उससे भी डिफरेंट केमिकल मिक्स रिएक्शन करके उसका जो हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है उससे भी हम एक्सपोज होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम मतलब वेंटिलेशन, जैसे वर्क प्लेस एग्जॉस्ट वेंटिलेशन बहुत ही ज़रूरी है, या पोर्टेबल हो या मैकेनिकल हो, इंजीनियरिंग कंट्रोल जो भी हो प्रॉपर डिज़ाइन करके, तो ये बहुत ही ज़रूरी। हेल्थ सर्विलेंस की बात हमने जिस तरह से किया, उसी तरह से आप मतलब प्रिवेंटिव एक्शन में आप टाइम टू टाइम हेल्थ सर्विलेंस भी, और ट्रेनिंग भी वर्क फोर्स को दें, ऑन रेगुलर डिस्प्ले करें,
है ना, जहाँ पे भी काम हो रहा है वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ट्रेनिंग दें, एजुकेशन मोनिटरिंग मोटिवेशन करें। अब यहाँ पे हम फाइनल बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे कि इंस्ट्रक्शन दें, इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग दें। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू डेवलप द अवेयरनेस अमॉन्ग द वर्क प्लेस। दे शुड नो वाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हजार्डियस सब्सटेंस इफ वी विल बी एक्सपोज, what could be happen and what could be effect on our body. They should know what is the symptom, if the some symptoms identifying at the initial stage, so the workforce will comes to the safety professional and to supervisor and inform them. है ना, क्या करेंगे वो inform करेंगे, उनको बताएंगे तो हम immediately at initial stage, at the beginning stage पे ही हम identify करके हम सही तरीके से उसका इलाज करवा सकते हैं। तो ये छोटा बड़ा या जो भी इंडस्ट्रीज़ है हर जगह ये ज़रूरत पड़ सकता है। ये मत सोचें कि हम, क्योंकि केमिकल एक ऐसा चीज़ है कि आज के डेट में अपने घर में भी यूज़ करते हैं और हम अपने वर्क प्लेस पे भी, अपने काम में भी यूज़ करते हैं हर जगह। तो हमेशा इसके लिए बहुत सा और भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, इसे MSDS हम पढ़ के ही हमको करनी चाहिए। तो ये सब हम यहाँ पे अभी हम लोग जाना है किस तरह से प्रिवेंट करना है इनहेलेशन डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसमें बहुत सा चीज़ आ गया कि इस तरह से मैनेजमेंट का पार्ट, किस तरह से लीगल रिक्वायरमेंट है कि एम्प्लॉयर की कुछ ड्यूटीज़ होती है जो गाइडलाइंस दिया गया है, एज पर स्टैंडर्ड उसको फॉलो करना है, प्रोसीजर फॉलो करना है। उस तरह से प्रिवेंटिव एक्शन इंजरिंग कंट्रोल है, यहाँ पे हमने बात किया कि किस तरह से हम अगर एलिमिनेट नहीं तो रिड्यूस किस तरह से करेंगे, रिड्यूस तब करेंगे, तभी हो सकता है रिड्यूस जब सारा चीज़ प्रैक्टिकली अरेंजमेंट है, टोटल आपका प्रोवाइड किया गया है सिस्टम, तभी जाके आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो किस तरह से हम कंट्रोलिंग करेंगे, किस तरह मॉनिटरिंग करेंगे, ये सब चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली समझने की कोशिश की, रिफ्रेश किया आपने इंफॉर्मेशन को, ठीक है। और कितने तरह के आपका मैकेनिकल वेंटिलेशन हो सकते हैं, इंजीनियरिंग वेंटिलेशन हो, कौन कौन वर्कर्स ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं, जैसा हमने बात किया जो पेंटर हो गए, कारपेंट्री वर्कशॉप इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, जो वर्कशॉप में काम कर रहे हैं स्प्रे पेंटिंग का। मगर यहाँ पे जो ये जो एस्बेस्टर रेगुलेशन है वो उसको इसमें ऐड नहीं किया जाता है। आई होप सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर अस। सो ओके, फिर हम किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, इसी तरीके से रिफ्रेश करेंगे इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, टेक।